Hello friends, I welcome you to our channel Vital Void of Visual, and in this video I'm going to share follow-up question of describe a time when you helped a friend. So guys, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आई से रिलेटेड, एंड बेल आइकन को दबा सकते हो जिससे कि आपके पास हमारी न्यू वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंच जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबा सकते हो, अगर पसंद ना भी आए तो डिसलाइक का भी दबा सकते हो। अगर वीडियो ज़्यादा यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना, एंड अपना फीडबैक देना मत भूलना नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ डू पीपल यूजली हेल्प ईच अदर। तो आपको बताना है कि कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं यूजली। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ मल्टीट्यूड्स। मल्टीट्यूड्स का मतलब पीपल होता है। मल्टीट्यूड्स हेल्प ईच अदर इन मैनी वेज, कि लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। सबकी हेल्प करने का मोटिव भी अलग अलग होता है, तरीका भी अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि तरीका बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने एग्ज़ाम्पल दे दिया, आप भी कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल डाल सकते हो। इन स्टूडेंट लाइफ, अगर देखा जाए बच्चों की ज़िंदगी में, जो विद्यार्थी हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं उनकी ज़िंदगी में देखा जाए, इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ वीक इन वन सब्जेक्ट, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो वीक है किसी एक सब्जेक्ट में, देन फिर हिज और हर अदर क्लास फेलो टेल हिम और हर एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ ईजी वे विद क्लैरिटी। सो जो उसके और क्लासमेट होते हैं, क्लास फेलो बोल सकते हैं हम, जो उसके साथ और बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसकी क्लास में, तो वो उसको सब कुछ बताते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही आसान तरीके से, विद क्लैरिटी, बहुत ही अच्छी तरह से करते सिखाते हैं, मतलब बताते हैं कि उनको सब कुछ क्लियर हो जाए। सेकेंड क्या चीज़ बोल सकते हैं, मोर ओवर इफ़ समवन इज़ हंग्री, अगर कोई पर्सन हंग्री है, हंग्री मतलब होता है भूखा, एंड दैट पर्सन अनेबल टू बाय, अनेबल मतलब वो चीज़, मतलब वो उस चीज़ को खरीद नहीं सकता, फॉर हिम और हर, यहाँ पे हमने सिर्फ समवन लिखा है और पर्सन मेंशन किया है, तो हमने यहाँ पे बताया नहीं ये वो कि वो पर्सन ही है या फिर वो शी है, उसका नाम मेंशन नहीं किया, तो इसलिए हम हिम और हर दोनों बोल सकते हैं ऐसे। देन डैनिजन गिव फूड टू हिम और हर, तो लोग उसको क्या करते हैं, फूड देते हैं, खाना दे देते हैं। सो इन दिस वे इंडिविजुअल हेल्प अदर, सो इस तरीके से लोग दूसरों की सहायता करते हैं, इंडिविजुअल मतलब होता है लोग। सो सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज़ ऑनलाइन हेल्प डिफरेंट फ्राम रियल लाइफ हेल्प। तो आपको बताना है कि जो ऑनलाइन हेल्प करते हैं हम किसी की, वो हेल्प कैसे डिफरेंट हो सकती है रियल लाइफ में अगर हम किसी की हेल्प करते हैं उससे। So the answer of this question is online help and real life help both are different from each other. जो online help करते हैं हम, वो real life help जो करते हैं हम, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा different हो, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा different होती हैं, दोनों में differences होते हैं और दोनों एक दूसरे से different होती हैं। If I talk about, अगर मैं बात करूँ online help की, multitudes can help others by donating money to charities. जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन अपनी मनी डोनेट कर देते हैं, मतलब दान कर देते हैं चैरिटीज़ को। जो चैरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती हैं, तो वो क्या करते हैं उनको ऑनलाइन सेंड कर देते हैं वेयर एवर दे आर लोकेटेड, जहाँ कहीं भी वो पर्सन है। जैसे कोई पर्सन है अमेरिका में है या फिर लंदन में या फिर किसी और कंट्री में है, और वो इंडिया में किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देना चाहता है, तो वह पर्सन क्या कर सकता है, वो पर्सन हमें पैसे भेज सकता है, उन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे भेज सकता है ऑनलाइन। एंड और दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय देयर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। सो जो बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में इतना सारा डिफरेंस होता है, इतनी सारी डिस्टेंस होता है, तो उस चीज़ को उसको कवर अप करना नहीं पड़ेगा, वो पर्सन वहाँ से बैठे बैठे भी आराम से किसी और कंट्री में दूसरे लोगों की हेल्प कर सकता है अगर वो करना चाहता है तो। बट पर इन द केस ऑफ रियल लाइफ हेल्प, अगर हम बात करें रियल लाइफ हेल्प की, जो हम करते हैं, वी कैन हेल्प डायरेक्टली अदर्स,
हु नीड द हेल्प. सो जो पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है उसको हम हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब हम प्रेजेंटली उसकी हेल्प कर सकते हैं. रियल लाइफ हेल्प में ये होता है. द थर्ड क्वेश्चन इज, शुड स्कूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू कोऑपरेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग. सो यहाँ पे पूछा गया है हमें कि जो स्कूल्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनको सिखाना चाहिए बच्चों को कि बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग दें या फिर सहयोग दें एक दूसरे, जो बच्चे होते हैं आपस में सहयोग करें. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि नॉट ओनली द स्कूल्स बट ऑल्सो द गार्डियंस. गार्डियंस मतलब होता है पेरेंट्स. सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज स्पीकिंग में. सो गाइज आप इसको याद रखना. सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि अकेले जो स्कूल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों को कोऑपरेशन के बारे में बताए, सहयोग के बारे में बताए, बट जो गार्डियंस होते हैं, जो उनके मम्मी पापा हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी उनको इस चीज़ों के बारे में बताएं. सो बोथ शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट कोऑपरेशन. सो जो दोनों हैं, स्कूल्स एंड पेरेंट्स, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, स्कूल चिल्ड्रन को सिखाएं, दोनों मतलब चिल्ड्रन को सिखाएं कोऑपरेशन के बारे में, सहयोग के बारे में. बिकॉज क्योंकि being able to work together with others to reach a goal or overcome a challenge will set students for future success. क्योंकि जब हम सहयोग के बारे में सिखाते हैं बच्चों को तो क्या करते हैं, वो एक साथ जब वो काम करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी किसी न किसी गोल पे या फिर किसी न किसी गोल को अचीव कर सकते हैं, या फिर जब कोई बड़ा सा चैलेंज है उसको वो बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं किसी चैलेंज को, और जो सक्सेस है उसके लिए वो और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं और फ्यूचर में वो सक्सेस अचीव करने के लायक बन जाते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड हेल्प फ्रॉम फैमिली. तो आपको बताना है कि जब हम अपनी फैमिली से हेल्प लेते हैं वो, और जब हम अपनी फ्रेंड से हेल्प लेते हैं वो, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक मुझे लगता है आप सबको इसका पता ही होगा क्योंकि हम अपनी फैमिली से भी हेल्प लेते हैं, फाइनेंशियली लेते हैं, आप सबको पता होगा, और हम अपने फ्रेंड से भी फाइनेंशियली हेल्प ले लेते हैं, और बहुत सारा और भी बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्प ले लेते हैं. सो आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर. आई थिंक मुझे लगता है कि द मेन डिफरेंस, जो मेन कारण है इज दैट, ये है इन केस ऑफ हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, जो हम अगर बात करें हेल्प जो लेते हैं हम अपने फ्रेंड्स से, वी फील मोर ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न इट सूनर और लेटर. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है ज़िम्मेवार. तो हम जब अपनी फ्रेंड से हेल्प लेते हैं तो हम ज़्यादा जिम्मेवारी फील करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील करते हैं कि हमें ये वाली हेल्प है जो हमने किसी से ली है, अपने फ्रेंड से ली है, तो हमें वो हेल्प उनको रिटर्न करनी होगी, उनकी हेल्प भी करनी होगी, बहुत ही जल्दी करनी होगी या फिर बाद में कर सकते हैं लेटर. वेयर एज इन द केस ऑफ फैमिली, अगर फैमिली की बात करें, वी डू नॉट फील दैट नीड. हम सोचते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हम करते हैं फ्रेंड्स के केस में, कि फ्रेंड्स के केस में हमें होता है कि हमें उनकी हेल्प करनी है, जल्दी करनी है या फिर बाद में करनी है, बट फैमिली के केस में हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता. वी टेक हेल्प फ्रॉम फैमिली फॉर ग्रांटेड, विच इज़ बोथ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है कि हम अपनी फैमिली से हेल्प लेते हैं, पर बहुत ही बुरी चीज़ भी है. सो द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, Do you like helping others? तो आपसे पूछा गया कि आपको पसंद है दूसरों की सहायता करना. So the answer of this question is yes. हाँ, I love helping others. कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है दूसरों की सहायता करना. Because I have realized, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, it gives me a lot of mental satisfaction and pleasure. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा mental satisfaction देता है जब मैं दूसरों की help करती हूँ, और साथ में pleasure देता है. प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस.
So the sixth question is, should parents teach helping others to their children? तो गाइज आपसे पूछा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनको सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि कैसे दूसरों की सहायता करनी है। अगर आपको हाँ लगता है तो आपको उसका रीज़न मेंशन करना होगा। जो वाई होता है ना, एग्जामिनर आपसे वाई का क्वेश्चन पूछता है, वाई, सो आपको वो वाई क्लियर करना होगा और साथ में आपको उसका रीज़न मेंशन करना होगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ डेफिनेटली बिल्कुल। गार्डियन शुड टीच हेल्पिंग अदर्स टू देयर वार्ड्स, वार्ड्स का मतलब होता है चिल्ड्रन, कि मम्मी पापा होते हैं, जब माता पिता होते हैं, उनको सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि कैसे दूसरों की हेल्प करनी है। बिकॉज क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन इन टू दिस वर्ल्ड। सो वो माता पिता होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अपने बच्चों को इस दुनिया में लेके आए हैं। एंड नो वन नो अबाउट देयर वार्ड्स बेटर देन दम, सो उनके बच्चों के बारे में कोई भी इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता जितने कि उनके माता पिता जानते हैं। वेन चिल्ड्रन विल हेल्प अदर्स, जब चिल्ड्रन हेल्प करेंगे दूसरों की, देन दे वुड ग्रो टू बी बेटर इंडिविजुअल्स, तो वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो बहुत ही एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। एंड एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस, और जब वो किसी की सहायता करेंगे तो उनको रियल हैप्पीनेस महसूस होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक, आपको लगता है कि नावाडेज आजकल पीपल डू मोर गुड वर्क एज कंपेयर टू द पास्ट? आपसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे काम करते हैं अगर इसको कंपेयर किया जाए पास्ट से। इसका आंसर है, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बताऊं, आई डू नॉट थिंक सो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इन द पास्ट, पास्ट में मल्टीट्यूड्स हेल्प्ड ईच अदर अलॉट, जो लोग थे वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा सहायता करते थे, एंड और देयर लाइफ वॉज वेरी सिंपल, और उनकी जो ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, बहुत ही ज़्यादा सादगी से भरी हुई थी। बट पर नावाडेज आजकल एवरी वन इज़ बिजी इन अर्निंग इनाफ मनी, सो आजकल सभी बिजी हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में, एंड और दे डू नॉट हैव अ टाइम टू हेल्प अदर्स, और उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो दूसरों की सहायता कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल यू हेल्प अदर्स इन द फ्यूचर? तो आपसे पूछा गया कि आप फ्यूचर में लोगों की सहायता करोगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ ऑफकोर्स बिल्कुल। इफ आई विल हेल्प अदर्स, अगर मैं दूसरों की सहायता करूँगा या करूँगी, वेन दे वुड नीड इट, जब उनको इसकी ज़रूरत होगी, देन फिर आई कैन एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ हेल्प, दूसरों से हेल्प मांग भी सकती हूँ इन माई बैड टाइम, अपने बुरे टाइम में, और या फिर वेन आई वुड नीड इट, जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी। आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि द प्लानट विल बिकम मोर बेटर प्लेस टू लिव फॉर एवरी वन, कि ये जो प्लानट है, अर्थ है, वो बहुत एक अच्छा प्लेस बन जाएगा रहने के लिए हर एक पर्सन के लिए। इफ एवरी पर्सन, अगर हर एक पर्सन वुड स्टार्ट हेल्पिंग ईच अदर, अगर हर एक पर्सन स्टार्ट कर देगा एक दूसरे की सहायता करना। सो गाइज, इसके 8 क्वेश्चन नहीं थे, इसके 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। बट गाइज, अगर इस वीडियो में डिस्कस करती तो ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जानी थी, और आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी बोरिंग भी लगती। और गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी अगर आपको कोई भी नॉइस आ रही है, एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है इस वीडियो में। एक्चुअली आज कल मतलब कि आज मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सो दैट्स वाई, सॉरी गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, सो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम रेस्ट ऑफ द फॉलोअप क्वेश्चन ऑफ दिस क्यू कार्ड। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज, टेक